दोस्तों आ गया है कमेंट्री स्क्रीन रीडर का पार्ट 3। और आज का जो ये पार्ट है टॉकबैक के साथ नहीं, ये आएगा जो है स्क्रीन रीडर के साथ, कमेंट्री स्क्रीन रीडर के साथ। तो पहले के जो दो पार्ट थे वो टॉकबैक के साथ आपको बताए गए, क्योंकि बेसिक की सेटिंग थी। एक तो कॉन्फ़िगरेशन विज़र्ड मैंने जो आपको टॉकबैक के साथ बताया है, दूसरा इसके जो आप जेस्टर्स है वो कैसे सेट कर सकते हैं। उसके आगे के जो यहाँ पर पार्ट है वो हम उसके साथ बनाएंगे, कमेंट्री स्क्रीन रीडर के साथ। तो आज हम बात करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कस्टम जेस्टर्स के मोर ऑप्शंस के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं कि उसमें जो कस्टम जेस्टर में मोर ऑप्शंस आता है उसका, उसमें मोर ऑप्शंस में क्या क्या ऑप्शन है और उनका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा, अगर आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें जाकर देखें, फिर आप इन वीडियोज़ को इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल ही जाते हैं, तो जल्दी से अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जो भी नेट वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो मैं चलता हूँ अपनी होम स्क्रीन पर और यहाँ पर अब हम कमेंट्री के साथ इसे जो है यूज़ करके देखते हैं। अभी भी कमेंट्री चल रहा है, सुन सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर अपनी होम स्क्रीन पर और जो प्रोग्राम सेटिंग है हम डायरेक्ट ओपन करते हैं यहाँ से। ये मैंने इसके मेन्यू से ओपन किया है और ये मेन्यू क्या है, ये जो 90 से भी ऊपर चीज़ें हैं, पिछली जो 18 मिनट की वीडियो थी उसमें सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उन्हें जाकर चेक कीजिएगा। तो यहाँ हम चलते हैं जनरल सेटिंग में और यहाँ पर जो है कस्टम जेस्टर सेटिंग में चलते हैं और यहाँ पर एक आएगा मोर ऑप्शंस। देखिए ये जो क्रिएट फंक्शन है ये यहाँ से आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो ऊपर 90 से भी ऊपर फंक्शन थे, अगर आपको उन फंक्शन से हटकर कुछ एक खुद का क्रिएट करना है तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप नाम लिख सकते हैं जो भी फंक्शन क्रिएट करना चाहें और उस फंक्शन फिर नाम लिखने को, जैसे हम नाम लिख लेते हैं कोई, जी लिख लिया, ओके करेंगे जी। तो यहाँ पर नाम बताएगा, ये जो एडिट बॉक्स है यहाँ पे आप जो भी फंक्शन क्रिएट करना चाहें उस जो भी फंक्शन से रिलेटेड चीज़ है उसको पेस्ट करेंगे या मोर ऑप्शन में, यहाँ से आप फंक्शन में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। फंक्शन इंसर्टेड, यहाँ पर वो सारे फंक्शन आएंगे जो हमने सबसे पहले देखे थे यानी कि सेकंड पार्ट में देखे थे। प्लूजन्स इंसर्टेड, यानी कि आप इस फंक्शन के नाम से जो है किसी प्लूजन को भी इंसर्ट कर सकते हैं। टूल्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कस्टम वॉइस कमांड जो होती हैं इसकी वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओपन एन ऐप इंसर्टेड, यहाँ से एप्लीकेशन भी जो है आप ओपन कराएंगे जी के फंक्शन के नाम से तो ऐड कर सकते हैं। ऑटो क्लिक इंसर्टेड, ऑटो क्लिक क्या है अभी आगे जानेंगे हम, तो बस यही ऑप्शन है, ठीक है। तो एग्जिट करते हैं, है ना। तो अगर आप इसे क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, तो इससे अगर जो ऑप्शन है वो काम का है। क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन, तो मेन बात हम इसी पे करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये होता क्या है, मान लीजिए आप WhatsApp में हैं और आप किसी की भी जो है चैट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, पहले जो है आप WhatsApp ओपन करेंगे, जिसकी चैट क्लियर करनी है उसकी चैट में जाएंगे, मोर ऑप्शंस में जाएंगे, मोर में जाएंगे, क्लियर चैट में जाएंगे, फिर क्लियर पे क्लिक करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि यार ऐसा ना हो, हम एक जेस्टर अप्लाई करें उसी की चैट में तो चैट जो है ऑटोमेटिकली क्लियर होनी शुरू हो जाए, तो यही होता है ऑटो क्लिक। आप जिस भी जेस्टर पे इस ऑटो क्लिक को रखेंगे, जो भी हम यहाँ पर क्रिएट करना आपको बताऊँगा मैं, वो जेस्टर जब भी आप अप्लाई कर देंगे तो आपकी जो चैट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेगी। अब ये वर्क कैसे करता है, प्रैक्टिकल तो मैं शायद करके ना दिखा पाऊँ, देखते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पर अब मैं कोई WA लिख देता हूँ, WhatsApp लिख देते हैं, तो मैंने WhatsApp की शॉर्ट फॉर्म लिख दी WhatsApp। तो जो भी आप नाम देना चाहे ऑटो क्लिक फंक्शन का वो दे सकते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो मोर ऑप्शन है उसमें भी ये ऑप्शन जो पहले देखे हमने, फंक्शन इंसर्टेड, लूजेस इंसर्टेड, तो यहाँ पर जो है ऑटो क्लिक नहीं आया क्योंकि हम इसे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनमें से भी कोई फंक्शन चूज करना चाहते हैं खुद का ना क्रिएट करके तो कर सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पर खुद ही क्रिएट करेंगे। तो
अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके व्हाट्सएप में जाना है। तो मैं होम आ चुका हूँ, अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से कुछ चैट ओपन करते हैं। तो ये चैट जो है ओपन हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मान लीजिए आपको इनकी चैट क्लियर करनी है, तो सबसे पहले आप इनकी चैट में जाएंगे और जो मोर ऑप्शंस है, जो मोर ऑप्शंस होता है चैट में, वॉइस कॉल के बाद उसे कॉपी करेंगे। जो भी जेस्चर आपने रखा होगा कॉपी के लिए वो अप्लाई कर दीजिए, है ना। अगर आपको ये सब जानना है तो पिछली वीडियो में जाइए, आपको पता चलेगा जेस्चर पे कैसे रखते हैं किसी भी चीज़ को। तो हम जो जेस्चर मैंने रखा है उसे अप्लाई करते हैं। अब ये कॉपीड हुआ, मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो मोर है इसे अपेंड करेंगे। अपेंड क्या होता है ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो जो जेस्चर मैंने रखा है अपेंड पे उसे अप्लाई करूँगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब क्लियर चैट को भी अपेंड करेंगे। उसके बाद क्लियर को भी अपेंड करेंगे। अब कैंसिल कर देते हैं, अभी क्लियर नहीं करेंगे। अभी देखिए चैट है यहाँ। तो अब मैं होम आ जाता हूँ और फिर से वहाँ पर जो है ओपन करता हूँ उसे। अब यहाँ पर जो भी आपने लिखा है उसे पेस्ट करें, सॉरी जो कॉपी किया है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और आप इसे जो है सेव कर दीजिए। और जब ही सेव करेंगे, तो अभी मैं सेव कर नहीं रहा हूँ फिलहाल, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, आपको सिर्फ बता देता हूँ। जब ही सेव करेंगे तो ये बोलेगा सेव्ड, एग्जिट कर दीजिएगा और फिर कस्टम जेस्चर में आ जाएंगे आप। जिस भी जेस्चर पे आप इसे रखना चाहें, मान लीजिए आप इसे स्वाइप डाउन देन अप पे रखना चाहते हो, स्वाइप डाउन देन अप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने बताया था फंक्शन लास्ट ऑप्शन था, लेकिन उसके बाद आपने जो ऑटो क्लिक्स क्रिएट किए होंगे सारे वहाँ पर शो करेंगे। तो उसे अगर आपने उस जेस्चर पे रख दिया, तो मैं विहान भैया के चैट में आऊँगा, और या जिस भी चैट में आऊँगा उनके जो है उसी चैट पे जेस्चर अप्लाई कर देंगे, तो वो ऑटो क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा और चैट क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यही है ये बेसिकली ऑटो क्लिक। तो कैंसिल करते हैं, एग्जिट कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं जो वीडियो है वो इंटरनेशनल से बना रहा हूँ, इंटरनेशनल को यूज़ करते हो, और जो ट्यूटोरियल है इस ये मैं आपको लोकल पे सिखा रहा हूँ, तो इसलिए वो वर्क नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर हमने क्रिएट ऑटो क्लिक फंक्शन देखा। अब ये फंक्शन मैनेजर क्या है, मान लीजिए आपने जो स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया, कोई ऑटो क्लिक फंक्शन क्रिएट किया, कोई कस्टम वॉइस कमांड्स को क्रिएट किया, तो यहाँ से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। वो सारे यहाँ पर शो करेंगे। अभी मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है तो कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये दो चीज़ें कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो हम एग्जिट कर देते हैं। न्यू कमांड क्या है, इस पर क्लिक करते हैं। ये जो है उसके लिए है जो इसका वॉइस असिस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिख नेम लिखते हैं जी, चलिए टेक्स्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा, ओके करते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी जैसे हमने स्टार्टिंग में किया, जो भी आप इस मुताबिक कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। हालांकि हम मोर ऑप्शन में चलते हैं और जो भी यहाँ पे भी सारे वही ऑप्शन है। अब मान लीजिए मैं ओपन एन ऐप करूँगा और वहाँ पर जो है किसी क्विक TTS जो ऐप है उससे अगर सिलेक्ट करूँगा, तो जब भी मैं जो अपना जो वॉइस असिस्टेंट चालू करके जी बोलूँगा, सॉरी टेक्स्ट बोलूँगा, तो मेरा जो है ये टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग ओपन कर देगा। एग्जिट करते हैं। और ये ही है न्यू कमांड में, इसी तरह से जो है आप कस्टम वॉइस कमांड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये मैनेज डायरेक्टिव में क्या है, जो आपने कस्टम वॉइस कमांड्स क्रिएट की होंगी यहाँ से उसे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जो टेक्स्ट वाला क्रिएट किया था, यहाँ से हम उसे मैनेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने कुछ क्रिएट किया हुआ है तो आप उसे डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अभी कुछ भी इसे नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है,
तो दोस्तों ये था कस्टम जेस्टर्स का पार्ट टू, और इसी तरह से आप कस्टम जेस्टर्स का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब अगली वीडियो में इसकी TTS सेटिंग के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही अच्छे जो है इसकी सीरीज़ बनने वाली है, तो बने रहिएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं वीडियो ख़त्म, और इसी तरह से आप जो है कस्टम जेस्टर्स में जो मोर ऑप्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप जो कस्टम जेस्टर्स ऑटोमेटिक स्क्रीन रीडर के उसके मोर ऑप्शंस में जो फीचर है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके पक्का बताइएगा, और ये आप जो पार्ट्स आ रहे हैं इसके एंजॉय कर रहे हैं या नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आपको जो है ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।